हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बेस, और आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के वैकेंसी के बारे में, जिसकी वैकेंसी हाल ही में आई है। 525 प्लस पोस्ट है उसमें, और इसी के दो पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इन्हीं दो पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट के लिए आप कौन कौन सा बुक पढ़ें, कौन सी स्ट्रेटजी होगी बुक के लिए, कैसे तैयारी करें CBT 2 की, इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए हम कुछ बुक है जो आपके साथ साझा करेंगे कि आप इस बुक से तैयारी करें, ताकि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए और इसमें आप अपना एक सीट को सिक्योर करें। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हमने कुछ बुक लिया है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और केवल DFCCIL ही नहीं, DFCCIL के अलावा जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा पे होने वाले एग्ज़ाम हैं, उसका प्रिपरेशन के लिए कौन सा टेक्निकल का बुक की तैयारी करें, आगामी जितने भी PSU हैं, DMRC है, लखनऊ मेट्रो, पटना मेट्रो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी, UP इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी और सेल भेल, जो भी वैकेंसी है जिसका टेक्निकल पे एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी आप कैसे करें, कौन कौन से बुक पढ़ें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें हमारा पहला बुक है जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RK राजपूत, एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें के जो राइटर हैं वो RK राजपूत हैं, और इसका पब्लिकेशन है बिरला पब्लिकेशन। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, मानी जाती है डिप्लोमा के लिए। और चूंकि ITI आपने किया है, और ITI इसके से अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो PSU का, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो आप देखेंगे कि डिप्लोमा लेवल के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं या डायरेक्ट डिप्लोमा के सिलेबस से उठाए जाते हैं, जो कि ITI में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ITI के टेक्निकल की तैयारी करने के लिए आप इस बुक को रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, इसके चैप्टर वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, जिससे आप प्रिपरेशन करने पे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर DFCCIL के लिए और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, जो भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए तो ये बेस्ट बुक है। और तैयारी करने के लिए आप इस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएं, थ्योरी चैप्टर को कवर करें। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं DC मशीन और एक होते हैं AC मशीन। DC मशीन में आपको DC मोटर और DC जनरेटर मिलेगा, AC मशीन में आपको 3-phase मोटर, सिंगल फेज मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, ये सभी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर और पावर सिस्टम के चैप्टर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो भी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी हैं, उसको आप कवर करने के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस सीरीज में मेरा दूसरा बुक है जो आपको सजेस्ट करेंगे, खासकर जो भी तैयारी कर रहे हों। सेकंड बुक है हमारा VK मेहता और रोहित मेहता, लेखक हैं इसके, और ये पब्लिकेशन है हमारा एस चांद पब्लिकेशन है। ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव विथ हिंट्स।
ये आपको एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है उनके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाएगी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के जो तैयारी करने वाले हैं वो हर एक चैप्टर से इजी क्वेश्चन जो है उनकी तैयारी ज़रूर करें, ताकि जो एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से इसी बुक से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस बुक का भी प्रिपरेशन किया जाए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी बढ़िया बुक है, आप इसको देख सकते हैं। तो दो बुक की हम बात की अभी, आर के राजपूत के लिए और वी के मेहता एंड रोहित मेहता। थर्ड हमारा बुक है जो एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये JB गुप्ता है। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव के जो तैयारी कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के, उनके लिए ज़्यादा बेटर माना जाएगा, क्योंकि ये BTech लेवल का बुक है। और चूंकि BTech लेवल का बुक से आप ये मत सोचिए कि ये BTech का बुक है तो हमारे डिप्लोमा के लिए नहीं काम आएगा, हम केवल और केवल आर के राजपूत को पढ़ के चले जाएंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए JB गुप्ता और VK मेहता दोनों बुक साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, VK मेहता और JB गुप्ता आर के राजपूत के साथ साथ, ताकि आपका पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा ये थर्ड बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये 15,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर आप इसके थ्योरी पार्ट को देख सकते हैं, इससे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, DC मशीन, AC मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार सारे चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। और अब ये बेसिक बुक हो गई जो हमारे सिलेबस और इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों तीन बुक है जो हमारे पास बेसिक बुक हो गई, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अब साथ साथ हमारी तैयारी कैसी है, इसके लिए हम अपना प्रिपरेशन कैसा हो गया है मेरा, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आपको सजेस्ट हम कर रहे हैं, दो बुक है। पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम्स। बेसिकली ये बुक दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये दोनों हिंदी लैंग्वेज जो है विथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आती है, आप देख सकते हैं। ये बुक लेटेस्ट है 2022 और 23 के लिए, ऑल इंडिया JEE एंड PSU सभी JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2266+12 पेपर इसमें कवर किए गए हैं। 26,712 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर पर है JEE एंड PSU एग्ज़ाम के लिए, और एज पर रिवाइज आंसर की। और ये जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ये ऑफिशियली क्वेश्चन होंगे और ऑफिशियल आंसर भी है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप इस बुक को काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ये बुक काफ़ी बेस्ट मानी जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। चैप्टर वाइज है, ये Vol.1 है, Vol.2 भी इसका आता है, चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज, यानी कि हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक पे इस पे कवर किया गया है। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये SSC JEE, UPPCL, UPRVNL JEE, UPSS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 
भी ऐड किया गया, आप देख सकते हैं ये DFCCIL को भी इसमें ऐड किया गया है। तो इस बुक से आप जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाता है, हर एक चीज़ पे कवर हो जाता है, तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन है जो कितना अच्छा हो गया है, या हम में कौन कौन कमी है, कौन कौन चैप्टर हमारे कवर करने के लिए बाकी हैं, ताकि हम उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें।
तो ये काफ़ी बेस्ट बुक है आपके लिए। आप ज़रूर इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करके इस बुक को ख़रीदें और इसकी तैयारी करें। सेकंड बुक है इसका वॉल्यूम 2 है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वॉल्यूम 2 हमारा वॉल्यूम 2 है यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। इसमें भी सेम पब्लिक एग्जामिनेशन को कवर करने का दावा किया गया है, इतना एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं और ये भी लेटेस्ट है 2022-23। आप ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसमें भी 26,000 प्लस क्वेश्चन है और आपको वॉल्यूम 2 में पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाएगी आपके लिए। अगर आपका प्रिपरेशन फाइनल हो गया है, आपका सब्जेक्ट पे कवर है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे कोई भी एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा गया है तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली अगर 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप अगर ये 6 प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, तो आप जाहिर है कि आप 5 क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो इस ये 5 क्वेश्चन आप गलत ना करें, इसके लिए आपको बेटर है कि आप इसकी तैयारी करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि वहां पे जाने के बाद आपको टाइम की कमी ना लगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर इसके बाद हमारा एक और बुक है जो बिहार के प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है। इसकी 2 बुक है, ये बेसिकली आईटीआई वालों के लिए ज़्यादा कारगर है, इसीलिए ये बुक आईटीआई वाले अपनी तैयारी करने के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आईटीआई ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप, ये वॉल्यूम 2 है और इसका वॉल्यूम 1 भी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये बुक है, RRB LP टेक्नीशियन डिफेंस आईटीआई इंस्ट्रक्टर जितने भी सेल भेल गेल DRDO इसरो मेट्रो रेल प्लस 2 HSC इन सब के लिए आपको 5,000 प्लस चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन है और 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन वन लीनियर अप्रोच। और इसके राइटर हैं आशीष एंड संजय कुमार। आप देख सकते हैं ये बिहार की पब्लिकेशन है, द प्लेटफॉर्म, और काफ़ी अच्छी मानी जाती। इस बुक को पढ़ने पे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टेक्निकल क्षेत्र में और रेलवे में। तो इसी का 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये आईटीआई वालों के लिए अच्छी बुक मानी जाएगी। और इसी में हमारा एक और बुक है जो आईटीआई वालों के लिए है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उनके लिए ये बुक अच्छी मानी जाएगी। ये आप इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ऑल सॉल्व पेपर, RRB लोको पायलट टेक्नीशियन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेट्रो मेंटेनर DMRC LMRC और जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उसके लिए अध्यावार सॉल्व पेपर है। तो आप जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीद कर इससे प्रिपरेशन करें, काफ़ी अच्छी बुक है आपके लिए। और हमारा लास्ट बुक है जो केवल और केवल DFCCIL पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही पब्लिकेशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जूनियर मैनेजर 2 पोस्ट के लिए हुए एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। 2016 और 18 के एज पर रिवाइज आंसर की पे आधारित है और 12 सोल पेपर एंड प्रैक्टिस बुक है।
तो आप ये सेम एग्जीक्यूटिव के लिए भी है और सेम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम इसी तरह की बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है। और हमने जब DFCCIL का एग्ज़ाम दिया था उससे पहले मेरा यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, इन सब के प्रिपरेशन और तैयारी के लिए हमने DFCCIL के यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन, JB गुप्ता, VK मेहता, RK राजपूत, ये सभी बुक के रेफरेंस से प्रिपरेशन किए थे। यूट्यूब पे इसके काफ़ी वीडियो है, JB गुप्ता, VK मेहता और RK राजपूत के काफ़ी ऑब्जेक्टिव वीडियो कराए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप अपने प्रिपरेशन के लिए इन सभी बुक्स को सेलेक्ट करके तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन DFCCIL या आने वाले कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ITI पे बेस्ड जो भी PSU के एग्ज़ाम हो उनमें आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो आप उसके लिए इन सभी बुक्स को कवर करें, तैयारी करें अच्छे से और एक एक पोर्शन की तैयारी करें, हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। ध्यान रखिएगा कि आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना आपका रिजल्ट सिक्योर रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स सब DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही इस वीडियो को साझा करें ताकि वो भी प्रिपरेशन अपना अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन DFCCIL में फाइनल करें। काफ़ी अच्छी सेक्टर की जॉब है, DFCCIL एक अच्छा PSU है, तो आप अपने तैयारी को बेहतर करें और इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करें। धन्यवाद दोस्तों।